नमस्कार, मेरा नाम है वृषाली। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जिसका नाम है लंगड़ा कुत्ता। ये कहानी है मार्शल की, जो हमारे घर आया दिसंबर में। फरवरी में अचानक देखने में आया कि वो लंगड़ लंगड़ के चल रहा है। अब समझ में ही नहीं आया कि क्यों लंगड़ रहा है। उसको कहीं पैरों में दर्द नहीं था, या उसको कहीं चोट नहीं आई थी, ना वो कहीं गिरा था, फिर लंगड़ना किस लिए? अब बात ये थी कि उसी दौरान घर में थोड़ी ऊंच नीच चल रही थी। घर के सारे सदस्य घर के काम में हाथ नहीं बटा रहे थे, तो घर की गाड़ी कैसे चलनी चाहिए? चारों पैरों पे चलनी चाहिए। लंगड़ लंगड़ के बताना मार्शल का ये काम था कि आप थोड़ा एक दूसरे के साथ करो काम, एक दूसरे को समझ के लो। ये बताने के लिए वो लंगड़ने लगा था। जैसे ही घर के सारे सदस्यों ने काम में हाथ बटाना शुरू किया, मार्शल का लंगड़ना बंद हो गया। हाँ, इसे कहते हैं योनि अंतर्भाषा। इसे ये भी कहते हैं कि आपके पालतू प्राणी आपको बताते हैं घर में कुछ हो रहा है, भाई थोड़ा संभल लो। भाई कैसी लगी कहानी? यदि आप आपके पालतू प्राणी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क जरूर करें, या नीचे कमेंट्स में डाल दें। इसे कहते हैं योनि अंतर्भाषा। और भी कई नाम है, जैसे एनिमल कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन। ये एक छोटा सा क्लिप है जहां आपको मार्शल नजर आएगा, कैसे अच्छे से मस्ती कर रहा है। तो अगले बारी तक धन्यवाद।